नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। देखिए, बिहार पर्यटन के द्वारा एक पहल की गई है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के पास। देखिए, इसका नाम दिया गया है MB गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, और काफ़ी खूबसूरती से इसका जो निर्माण है वो किया गया है इस रेस्टोरेंट का। इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी विशेषता है ये कि आप गंगा में घूमते हुए भी रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। तस्वीरें मैं अंदर की दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है, बैठने की क्या व्यवस्था है, क्या कुछ चार्जेज हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हम अंदर चल रहे हैं और अंदर देखे हम आ गए हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अंदर। ये सिप है सर हमारे साथ। सर, आपसे कुछ बात करूंगा कि क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था, ये सब चीज़ें। बनाने के पीछे इसका मकसद यही था कि पटना के लोग गंगा नदी के किनारे रहते हैं, आप कलकत्ता चले, बाहर सब जगह चले, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ नाव रिस्क है। ये जहाज़ में आप देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट, खाने पीने, संगीत, सुरक्षा के लिए पूरा कैमरा लगा हुआ है, तो हर तरीके से जितना बेहतर हो सकता है वो हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो है, अभी इसको शुरुआत है, इसमें और क्या डेवलप किया जा सकता है वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। चार्जेस क्या होंगे, किस तरीके से बुकिंग होगा? जो है सो अभी एक घंटा घूमने का प्रति व्यक्ति 300 रुपया चार्ज है, बच्चे के लिए 250, 200, 3 से 6 साल के लिए 200, उससे 6 से 12 का 250। उसके अलावा इसका बुकिंग है, बुकिंग का 2 घंटे का 25,000 40 व्यक्ति के लिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा आदमी अब बढ़ता है तो 200 रुपये पर व्यक्ति एक्स्ट्रा चार्ज है, और खाने का अलग चार्ज है। अच्छा, कपल्स के लिए किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि ज़्यादातर कपल्स इस तरीके के मोहन में आना, ऐसा सेपरेट कुछ है नहीं, वो तो देख ही रहे हैं, चूँकि यह सुरक्षित भी है, कोई ऐसा घटना ना हो उसका भी हम लोग को देखभाल करना है, तो ये अभी कपल्स के लिए स्पेशल नहीं है। मतलब अगर 2 लोग आते हैं तो उन्हें 600 रुपया देना पड़ेगा। 2 लोग आते हैं तो 600 रुपया देना होगा। और बस ये आने का या फिर फूड का अलग से? फूड का अलग है, उसमें हम 1 घंटा पूरे गंगा में घुमावेंगे, और फूड की चार्जेस, फूड की चार्ज अलग है। जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार। देखिए, दीपक जी थे हमारे साथ, और अब हम एक बार फिर से रेस्टोरेंट को दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो रेस्टोरेंट है कितना खूबसूरती से इसे बनाया गया है, और गंगा में घूमते हुए लोग यहाँ पे फूड का एंजॉय करें और गंगा नदी का भी जो लुप्त है वो उठा सकें। देखिए, बाहर गंगा नदी है, और कितनी खूबसूरती से इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाया गया है। ऊपर की भी तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऊपर भी जाकर आराम से खड़े होकर गंगा नदी को एंजॉय करते हुए इस रेस्टोरेंट में आप मतलब एंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आकर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आकर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और देखिए, हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर की भी तस्वीर देखें कितनी खूबसूरती से इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाया गया है, और पूरी गंगा नदी दिख रही है। ये तस्वीर है गंगा नदी का, ये बैक साइड की तस्वीर हमने आपको दिखाया था, आगे की भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि कैसे देखे ये जो है, मतलब इनका खुद का रूम है। देखिए, ये प्रॉपर एकदम रूम बनाया गया है। ये रूम किस लिए बनाया गया है? ये पर्सनल रूम है। अच्छा, पर्सनल रूम। हाँ, जैसे अगर कोई बल्क बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे रुक सकते हैं, VIP लोगों के लिए है। इसी टाइप का आम लोगों के लिए भी है। हाँ, आम लोगों के लिए। क्या चार्जेस होगा अगर कोई? चार्जेस डिक्लेयर हो जाएंगे, आपको BSTDC की साइट से मिल जाएगा। अच्छा, BSTDC के। देखिए, पर्सनल रूम भी बनाया गया, काफी खूबसूरती से आप यहाँ अपने फ्रेंड और जो भी कलीग है उसके साथ आए, एंजॉय करें, गंगा का लुत्फ उठाएं। रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, आगे भी हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, एक तरफ गंगा माँ है, जो तस्वीर है गंगा नदी की, देखिए कितनी खूबसूरती से गंगा माँ दिख रही हैं, और इस रेस्टोरेंट को ही बनाया गया है काफ़ी खूबसूरती से। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि पर्यटन मंत्री भी हैं, वो आएंगे आज, इसका उद्घाटन करेंगे, और आज से लोगों को ये MB गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो आनंद है वो उठा सकते हैं। देखिए, हम फ्रंट साइड में आ गए हैं, ये फ्रंट साइड की तस्वीरें हैं, एक तरफ NET घाट है, यहीं पर ये लगा रहेगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो क्रूज़ है, और फिर गंगा में ये 1 घंटे तक आप घूमिए, गंगा का लुत्फ़ उठाइए, और साथ में अच्छे अच्छे जो भोजन हैं, फूड हैं, उसका भी लुत्फ़ उठाइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहेगा नवारा टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।